उत्तर प्रदेश की राजधानी के गांधी भवन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन पर ग्रीष्मकालीन शैक्षणिक विचार गोष्ठी शिविर राज्य परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी MLC नेता शिक्षक दल के हैं मौजूद। वहीं पर अध्यक्षता सुरेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा की गई है। अध्यक्ष जो है संगठन के, उनसे जाइए जानते हैं, बात करते हैं कि आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य था आज ग्रीष्मकालीन शिक्षक विचार गोष्ठी को लेकर के। और फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे अगर हमारे इन कार्यों को पूरा नहीं किया। मुख्यता 14 कौन सी मांगे? मुख्यता 14 में आप समझ लीजिए कि NPS का रख रखाव, जो नई पेंशन योजना में NPS है उसमें भ्रष्टाचार युक्त हो गई है, उसको कायदे से न रख रखाव है और न उसका कहीं शो हो रहा है। तदर शिक्षकों की बहाली है, हमारे तदर शिक्षकों की सेवाएँ समाप्त की गई हैं, को बहाल करने के संबंध में विद्यालयों का जो समय परिवर्तन, 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग है, चयन बोर्ड अधिनियम जो निरस्त किया गया है, जो धाराएं 12, 18 और 21 उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए महिला शिक्षकों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, शिक्षकों की स्थानांतरण नीति सरलीकरण करने के लिए, केंद्र की भात ग्रेजुटी राशि की वृद्धि करने के लिए, CBSE बोर्ड के समान पारिश्रमिक दरें करने के लिए, माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के समायोजन न हो, इन सब बाद के संबंध में ये प्रस्ताव पारित होंगे। इस मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस मंच के माध्यम से संदेश दें कि आप लोग हमारी यह बात सरकार तक पहुँचावें, सरकार को हम अपने संगठन के माध्यम से बातें पहुँचाएंगे और सरकार से वार्ता करेंगे, हमारी समस्याओं का निराकरण हो, अन्यथा की स्थिति में हमें आंदोलन के लिए बात करना पड़ेगा। वर्षों के संघर्ष के बाद अर्जित उपलब्धियों की रक्षा करने का दायित्व भी है, चाहे जो हमें नई उपलब्धियों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना है, वही हमें प्राप्त उपलब्धियों की रक्षा भी करें। संघर्षों से अर्जित जो उपलब्धियां छीनी जा चुकी हैं, उन उपलब्धियों को पुनः प्राप्त करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। हम अपने बुढ़ापे की लाठी संगठन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले सतत संघर्ष भी किया जा रहा है। शिक्षक महासंघ के बैनर तले सतत संघर्ष किया जा रहा है। पुरानी पेंशन की बहाली एक संघर्ष और बलिदान के लिए हम लोगों को आगे और अधिक तैयारी के साथ जुटना है। इसी के साथ जितनी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिलाने हेतु संघर्षरत हैं, वहीं तदर शिक्षकों के शोषण की नई परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हुई है। आज तदर हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, इसका प्रस्ताव दिया है, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ। हमें राज्य कर्मचारियों के भाग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करनी है। इन चुनौतियों के साथ साथ सरकार द्वारा अनेक नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी कर दी गई हैं, यह परिस्थितियां समाधान मांगती हैं। इस सम्मेलन का दायित्व है और एक जो सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने आज खड़ी हुई है, राज्य सरकार ने रातों रात उत्तर प्रदेश जो हमारा चयन आयोग था रातों रात समाप्त किया। चयन बोर्ड की 3 धाराएं बड़ी महत्वपूर्ण थी, अधिनियम की धारा 12, धारा 18 और धारा 21, ये बड़ी महत्वपूर्ण तो हमारा कवच और कुंडल है, उसके बिना आपकी सेवा कहीं सुरक्षित है ही नहीं। और आप बना दिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों में नीतियों में भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप के कारण संगठन ने संघर्ष करके देश के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने को सरकार को बात किया। कालांतर में उसे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में रूपांतरित कर
माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के गठन से जहाँ शिक्षकों की नियुक्तियाँ प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होने लगी थी, वही चयन बोर्ड अधिनियम से शिक्षकों को अनेक संरक्षण प्राप्त हुए जिनमें धारा 12 या 18 वह कई विशेष रूप से उल्लेख है, जो क्रमशः शिक्षक तथा प्रधानाचार्यों के पदोन्नत तथा शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की सेवा सुरक्षा से संबंधित है। इस बीच सरकार ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की नीति हेतु राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया है तथा बड़ी चतुराई के साथ राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को केवल नियुक्ति तक सीमित कर दिया है। तो आयोग तो बना है, कामों को नहीं करना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। जाए डॉक्टर प्रमोद कुमार जी वरिष्ठ